कंज्यूमर बिहेवियर एंड अंडर दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द इन डिफरेंस कव इन डिफरेंस कव इज बेसिकली दोकस ऑफ ऑल दो ऑन अ स्टेट वेयर द कंज्यूमर इज इन डिफरेंट अबाउट द वेरियस बंडल्स या अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें कि कंज्यूमर जितने भी कम्बिनेशनस बनाता है उन कम्बिनेशन में अगर वो x1 और x2 के डिफरेंट बंडल्स बनाता है लेकिन कुछ बंडल्स वो होंगे जो इनमें वो प्रेफरेंस नहीं करता रादर, उसके लिए वो तमाम बंडल्स इक्वल होते हैं वो इनडिफरेंट होता है अगर वो तमाम बंडल्स ऑफ x1 एंड x2 जो कि कंज्यूमर जिसके लिए इनडिफरेंट है कि आ इधर वो एक बंडल को ले एक दूसरे को या तीसरे को हम अगर इसको प्लॉट करते हैं ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे और उनको फिर ज्वाइन करते हैं एक कर्व की मदद से या लाइन की मदद से तो जो हमारे पास एक कर्व हमारे सामने आएगा दैट विल बी कॉल्ड इन डिफरेंस और दैट कर्व ऑन विच द कंज्यूमर इज़ बिहेविंग इन डिफरेंटली सो द प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो ये हमारा जो इन डिफरेंस कर्व है उसको बेसिकली हमारी तीन प्रॉपर्टीज़ को हर सूरत कंप्लीट करना होगा अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कंप्लीट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियसली भी डिस्कस की हुई हैं लेकिन कंप्लीट का मतलब है वो प्रेफरेंस को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा रिफ्लेक्सिस का मतलब है कि उसके लिए वो तमाम बंडल्स चाहे वो एक दूसरे के लिए मिरर इमेज की फॉर्म में ही हों वो दोनों को तमाम बंडल्स को अलहदा अलहदा डील कर रहा है और अगर वो एक दो तीन में अगर उसकी जो भी प्रेफरेंस है वो जिस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है वो उसको मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन करेगा अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, तो अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर के पास वेरियस कम्बिनेशन हैं अब उन वेरियस कम्बिनेशन को आई कैन से कि उसने एक्स वन और एक्स टू की एक कमोडिटी का कम्बिनेशन लिया जिसको उसने ए का नाम दिया उसी तरीके से उसने फिर एक्स वन और एक्स टू की कुछ कमोडिटी क्वांटिटी है जिसको वो बी का नाम देता है फिर वो एक्स वन और एक्स टू का कम्बिनेशन एक खरीदता है जिसको वो सी का नाम देता है सो लाइक वाइज देर कैन बी वेरियस तो वो बंडल्स अब जैसे सपोज आई एम दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस कैन बी सी दिस कैन बी डी और दिस कैन बी ई एंड एफ बट दीज ऑल आर दोज कम्बीनेशन वेयर द कंज्यूमर इज इन डिफरेंट अमंग दैम एंड एट द सेम टाइम देअर कैन बी सर्टन अदर बंडल्स जो कि मैं अगर कहूँ कि यहाँ पे एक बंडल जी हो सकता है और यहाँ पे एक बंडल एच हो सकता है इसमें भी एक एक्स वन की अमाउंट है और एक्स टू की है ये बंडल जो है हमारा जो जी की फॉर्म में है ये भी एक्स वन और एक्स टू की अमाउंट रख रहा है नाउ द डिफ्रेंस इज दिस ये x1, x2 का बंडल जो है अगर हम इसको इक्वेट अपना ड्रा करते हैं लाइक like दिस तो इसमें x1 की अमाउंट भी थोड़ी है और x1 की भी तो जो प्रॉपर्टी ऑफ मोनोटोनिसिटी के तहत बिकॉज द कंज्यूमर विल प्रेफर द मोर टू लेस वो इसको प्रेफर नहीं कर रहा और वो तमाम बंडल्स जो ऑन द राइट साइड ऑफ दिस इंडिफरेंस कर्व होंगे वो सारे के सारे हमारे पास मौजूद हैं वो उसके पास हैं लेकिन वो उसकी इंडिफरेंट नहीं है वो उसके हायर लेवल पे हैं तो लेकिन वो तमाम पॉइंट्स इस सरफेस पे जिस पे हम बंडल्स बनाते हुए अगर इनको कंबाइन करते हैं तो वो ये ऑल दोज पॉइंट्स जिनके दरमियान कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट है उनको ज्वाइन करते जो बनेगा दैट विल बी इनडिफरेंस का प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कव में तीन प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व कव की जो है वो वेरी प्रोमिनेंट है इंडिफरेंस कर्व कव विल बी नेगेटिवली स्लोप्ड इंडिफरेंस कव विल बी कन्वेक्स टू द रीजन एंड इंडिफरेंस डिफरेंस कर्व एक इन कर्व कभी भी किसी दूसरे इनडिफरेंस कर्व को क्रॉस नहीं करेगा एंड दे विल बी ट्रांजिटिविटी मेन जो हायर लेवल वाला है वो प्रीवियस से अहेड होगा और दूसरा उससे अहेड होगा अगर हम देखें तो जैसे इसकी प्रॉपर्टी के नेगेटिवली स्लोप्ड हो कन्वेक्स हो तो हम बहुत से पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं क्योंकि जो सब्सिट्यूशन का प्रोसेस है वो हमेशा रिक्वायर करेगा कि व्हेन एवर एक कमोडिटी कंज्यूमर ने जब भी ज़्यादा लेनी है सपोज अगर वो x1 की तरफ मूव करते हुए एक यूनिट बढ़ाना चाह रहा है अपना तो उसको x2 का कोई ना कोई यूनिट लीव करना होगा अगर ये वाली चीज़ वो सब्सिट्यूशन में नहीं करेगा तो क्योंकि उसको रखते हुए वो अगर और चीज़ परचेज करे तो उसका बजट उसके लिए उसको एक तो, एक तो एक्स्ट्रा चाहिए और दूसरी उसके लिमिट के अंदर पॉसिबल नहीं होगा इसीलिए ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को वायोलेट करता है ट्रांजिटिविटी में अगर हम देखें तो हम इसमें कहते हैं कि अगर तीन बंडल्स हम लेते हैं एक्स वाई और जी कि जो एक्स है वो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मौजूद है वाई जो है वो किसी एक और इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मौजूद है और जो जी है ये इन दोनों की इंटरसेक्शन पर मौजूद है तो अगर हम अगर इसके ऊपर देखें कि एक पॉइंट दो इंडिफरेंस कर्व्स के ऊपर अगर मौजूद है तो चूंकि हमने ये अज्यूम किया, किया कि ये इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं इनके लिए कंज्यूमर जो है किसी को दूसरे पर फोकियत नहीं देगा एंड लाइक वाइज अगर उसका इनडिफरेंस कर्व ये है तो इसके ऊपर हम जितने भी पॉइंट्स होंगे इसका जो है वो किसी को फोकियत नहीं दे रहा होगा तो इसमें अगर हम देखें तो पॉइंट एक्स जो है उसके लिए वो इनडिफरेंट है जी के तहत और अगर इस कर्व को मैं देखूँ तो यहाँ पे अगेन वाई के लिए वो इन डिफरेंट है जी के साथ लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो वाई की कमोडिटी की मैं लाइन को अगर ड्रा करूं तो उसके मुकाबले में जो एक्स है ये थोड़ा सा हायर लेवल शो कर रहा है तो एट ए टाइम दो प्रॉपर्टीज़ साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती क्योंकि हमने ये तय किया है कि जो हायर लेवल का बंडल है वो हमेशा ज्यादा कमोडिटीज रख रहा होगा एज कम्पेयर टू द लोअर लेवल सो इंटरसेक्शन जो ट्रांजिटिविटी के रूल के तहत अगर हम देखें तो इट कन्फर्म्स दैट द टू इन डिफरेंस दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर अब अगर इसी सीनारियों को हम देखें तो इंडिफरेंस कर्व की कुछ एजम्पन्स हमारे सामने आती हैं और ट्रांजिटिविटी में हमें कुछ अज्यूम करना पड़ता है हम कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व्स दे रिप्रेजेंट द डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ प्रेफरेंस मींस दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीटनेस और इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिक्टली प्रेफर्डनेस को जो है वो शो करेगा कि अगर उसने एक को दूसरे के ऊपर प्रेफरेंस दी है तो वो कम्प्लीटली एंड स्ट्रिक्टली उसको प्रेफर करेगा सो so, अगर इस फॉर्म में हम देखें तो जो बंडल वाई है दैट इज स्ट्रिक्टली प्रेफर टू द अदर बंडल Z और उसी फॉर्म में अगर हम देखें अब हमने ज्यूम किया था कि X इज़ इन डिफरेंट टू Y वाई इज़ इन डिफरेंट टू जी लेकिन एग्ज्यूम ऑफ द ट्रांजिटिविटी कहता है कि इफ़ इट इज़ लाइक दिस तो इसको ट्रांज़िटिविटी के तहत X और Y को भी जो है आपस में इन डिफरेंट होना चाहिए लेकिन अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो उस डायग्राम के तहत अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो एक्स है दैट इज़ ऑफ हायर ऑर्डर दैन वाई सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एट ए टाइम एक कमोडिटी दूसरे से हायर भी रैंक शो कर रही हो और इन डिफरेंट मीन इक्वेलिटी और इन डिफरेंस भी शो कर रही हो सो द थ्यूरी ऑफ ट्रांजिटिविटी गिव्स द प्रॉपर्टी ऑफ द इन डिफरेंस कव ऑफ नॉन क्रॉसिंग एंड ऑफ द हायर रैंक टू द लोअर रैंक